दोस्तों जनता जनता तो मैं हूँ आश्रय, स्वागत करता हूँ सभी अपने चैनल भुक्कड़ फिरंगी में। Nothing can stop me, I'm all the way up. लेकर आए हैं सुबह सुबह हम आए ब्रेकफास्ट करने बाबू राम मिष्ठान भंडार। तो भाई ये मुरादाबाद की सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा चलने वाली मिष्ठान भंडार है, जहाँ का फेमस आइटम मैं हाथ में लेके खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हो दाल और जलेबी। तो आप अगर मुरादाबाद आए और आपने दाल जलेबी नहीं खाई तो फिर आपने क्या खाया भाई? कुछ नहीं खाया। आपको टेस्ट करके इसका टेस्ट बताऊँगा और आगे आपको यहाँ के ओनर जो हैं उनसे भी थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, हम सारी हिस्ट्री आपको देंगे। तो लेट मी टेस्ट, मुझे टेस्ट करने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं सीधा यहाँ के ओनर से। आइए। ओके भाई, सर जैसा आपको बताया था आज सुबह का ब्रेकफास्ट बाबूराम मिष्ठान भंडार जलेबी और दाल। तो ये मुरादाबाद का बहुत ही फेमस आइटम है और आप अगर कभी मुरादाबाद आए तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और शुरुआत आप अपने दिन की करिए तो बाबूराम मिष्ठान भंडार से शुरुआत करिए। देसी घी में जलेबी बनती है और जो ये दाल है डबल अमूल का मक्खन लगा हुआ है इसके अंदर, और टेस्ट करके बताते हैं जनाब कैसा लगता है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही डिफरेंट सा है, आपको मुरादाबाद वासियों को ही देखने को मिलेगा ऐसा कॉम्बिनेशन, दाल और जलेबी साथ में। वरना आप कहीं भी जाइए आपको दाल और जलेबी कोई भी साथ में खाता हुआ नहीं दिखेगा। उम्दा बेहतरीन। जरा दाल टेस्ट करते हैं सिर्फ। बढ़िया, अमूल का मक्खन एकदम मसाले बिल्कुल एकदम स्वाद अनुसार, ना कुछ ज्यादा ऊपर ना कुछ ज्यादा नीचे, सिर्फ जलेबी। वाओ, प्योर देसी घी में बना हुआ भाई। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाबूराम मिष्ठान भंडार इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप इन मुरादाबाद, एंड यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही फेमस हैं, यहाँ की जलेबी बहुत फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे जलेबी मिठाई खाने के लिए, और स्पेशली दाल और जलेबी का कॉम्बिनेशन खाने के लिए। जैसे मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्टी एंड स्वीट, बट आप कभी टेस्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग को इतना क्यों पसंद आता है यहाँ पे और क्यों लोग आके इस चीज़ को बार बार टेस्ट करते हैं। सो भाई मैं ख़त्म करता हूँ अपनी दाल और अपनी जलेबी और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, ओके। सो हम लोगों ने भाई दाल और जलेबी खाई है और अभी हम भैया के साथ है। भैया जो है यहाँ के ओनर है। भैया आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। अतुल गुप्ता नाम है मेरा। अतुल गुप्ता नाम है भैया का। एंड भैया कब से चल रहे अपना शॉप? थोड़ा मुझे पास बताइए, हिस्ट्री बताइए। फोर्थ जनरेशन है। दाल और जलेबी तो हो गया, वो तो बिल्कुल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मुरादाबाद में कहीं नहीं है, चलता बिल्कुल। इमरती है, समोसा है, बेसिकली ट्रेडिशनल स्वीट्स जो होती है उसमें हमारा कमांड बहुत है। सोन पापड़ी, बालूशाही, मालपुआ, कुलचंद, and everything is prepared in pure desi ghee. Pure desi, 100%. Okay. Even namkeen bhi. Even namkeen bhi desi ghee.
सो भाई नमकीन के दीवानों, स्वीट्स के दीवानों, और स्पेशली दाल और जलेबी, जिन्होंने नहीं खाई ये कॉम्बिनेशन भाई आगे टेस्ट करो और आपको पता लगेगा कि मतलब मुरादाबाद इतना बारह हुआ दाल जलेबी में इतना अटपटा कॉम्बिनेशन सॉल्ट और एग्जैक्टली का, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइटम्स इन मुरादाबाद। दिन की शुरुआत करो तो आप बाबूराम से, आपको दाल भी बाहर ही मिलेगी, जलेबी अंदर मिलेगी। सो हम नमकीन में मतलब क्या नमकीन भी खुद ही प्रिपेयर करते हैं? खुद ही प्रिपेयर करते हैं, कोई आउटसोर्सेज नहीं है, सब हमारे यहाँ का बनता है। जैसे काजू की दाल मूट है, काजू बादाम की दाल मूट है, और आपका मटरी है, नमकीन है, मूंग की दाल के समोसे हैं। तो भैया नाइस टॉकिंग टू यू। या सेम हियर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया को थोड़ा जाना था तो इस वजह से हमने पहले इंट्रोडक्शन ले लिया। तो नाइस हो गई, उसके बाद मैं आपको और भी बाकी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करके बताऊँगा। तो भाई जुड़े रहिए या प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ओके सो भाई ये है मेरा आखिरी दाल का पत्ता, क्योंकि मेरे को दाल खानी थी, मेरे को अच्छा लगा दाल और जलेबी, तो मैं दाल और जलेबी एक बार और खाऊंगा। और आप ज़रूर आइए बर्तन बाज़ार में, बाबूराम मिष्ठान के नाम से, बाबूराम स्वीट्स के नाम से शॉप है, आप आइए और ये अलग ही कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ट्राई करिए अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा दाल और जलेबी का। मुरादाबाद का बहुत ही फेमस आइटम है, सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं से करिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप आइए, टेस्ट आपको वर्थ इट लगेगा, बढ़िया चीज़ है, स्वाद आएगा आपको। सो भाई इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरे चैनल बुक्कड़ फिरंगी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाह रहा था, अगर आप लोगों को मुरादाबाद के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स पता है जो आप चाहते हो कि हम लोग कवर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और हम डेफिनेटली उस चीज़ को कवर करेंगे। सो बाबा लाइक शेयर सब्सक्राइब बुक्कड़ फिरंगी, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।